आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर छत्तीसगढ़ की, जहां पहले चरण के मतदान के लिए जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 नवंबर को बस्तर संभाग की 12 सीटों समेत कुल 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो बस्तर की सभी 12 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस जगदलपुर में अटक गई है। सात नवंबर वो तारीख जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण का रण होगा, जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें बस्तर की सभी 12 सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस एक सीट को लेकर असमंजस में है। कांग्रेस ने 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन जगदलपुर सीट को लेकर पेंच फंसा है और मंथन का दौर जारी है। जगदलपुर में बीजेपी ने इस बार किरण देव पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जगदलपुर सीट संभाग की काफी अहम सीट है, ऐसा इसलिए क्योंकि बस्तर की 12 सीटों में से सिर्फ जगदलपुर सीट ही सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्तमान में जगदलपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। जगदलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी घोषित न होने पर सियासी बयानबाजी जोर पकड़ रही है। बीजेपी एक तरफ दमदार प्रत्याशी नहीं होने की बात कर कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस भी पलटवार में पीछे नहीं, कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी पहचान के संकट से जूझ रही है। तो वस्तुतः इनके पास कोई आदमी है ही नहीं जिस जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सामना कर सके, इसलिए टिकट में लेट टच भी कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं। डेंजर सीट में समझ रहे हैं कांग्रेस सीट, डेंजर नहीं, चाहे कांग्रेस के जितने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, आज एक टीवी रवि नामांकन कर चुके हैं, क्षेत्र क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे एक विकेट तो उनका टीवी रवि के रूप में गिर गया और जो 4 विकेट और चल रहे हैं ये भी एक एक करके गिर जाएंगे। वास्तव में कांग्रेस के पास कोई योग्य कैंडिडेट है ही नहीं। बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में दिख नहीं रहे, किरण देव जी तो अकेला असहाय गांव गांव में घूम रहे हैं, ना भीड़ है ना उनके समर्थक है। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा तो कांग्रेस पर नज़र गड़ाई है, वो अपने प्रत्याशी पर नज़र गड़ाए कि वो कैसे जीतेंगे, गाँव में उनको लोग पहचानते नहीं हैं, उनको बताना पड़ रहा है कि मैं राजघराने का हूँ। 5 साल में महापौर रहा, वो अपनी पहचान नहीं बना पाया, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बीजेपी के लिए हो ही नहीं सकता। ऐसा डमी प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया है, ये हमारे लिए शुभ है। हम ये चुनाव निश्चित तौर पर 30,000 के अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो चुका है, लेकिन जगदलपुर सीट पर कांग्रेस अटक गई है और अब तक अपना चेहरा तय नहीं कर पाई है। इसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। राजनांदगांव के दौरे पर रहे, चुनावी हुंकार उन्होंने भरी, सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। अमित शाह ने एक बार फिर 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आने का प्लान किया है। दरअसल अमित शाह जगदलपुर और कोंडा गांव में आकर हुंकार भरेंगे। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। राजनांदगांव में रमन सिंह के नामांकन से पहले अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का ATM बना दिया है। 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं करते। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का ATM बनाकर रखा है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बोले कांग्रेस ने करप्शन का पूरा चेन बनाया है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल के शासन में छत्तीसगढ़ में न गरीब खुशहाल है न आदिवासी, भूपेश सरकार में सिर्फ गांधी परिवार खुशहाल है। करप्शन का ऐसा जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है। जो दिल्ली तक सर आपको कहना
2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे इसलिए डर कर घर में शादी कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, कहा यूपीए के 10 साल में प्रदेश को सिर्फ 77,000 करोड़ रुपए मिले जबकि बीजेपी ने बिना भेदभाव के 3,00,000 करोड़ दिए। 2004 से 14 केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया आपने छत्तीसगढ़ को, हिसाब में कराइए माताओं भाइयों बहनों, 2004 से 14 में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को 10 साल के अंदर कितना दिया, जरा जोर से बोले कितना, 77,000 करोड़ कितना। और मोदी जी ने 2014 से 23 उनके 10 साल बनाम हमारे 9 साल 77,000 करोड़ की जगह पे 3,01,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा, सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाए, कांग्रेस ने पलटवार किया और चुनाव आयोग से शिकायत की बात तक कही है। उन्होंने सीधे सीधे सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम किया है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे की बात की है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले हम अपेक्षा करते हैं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत चुनाव आयोग स्वयं निर्णय ले, स्वयं कार्रवाई करे और कांग्रेस पार्टी भी अपने तरफ से उनके खिलाफ शिकायत करने जा रही है। देखिए ये मुद्दा भी है, इनके पास में जब जब ये विपक्ष में रहते हैं इनके पास मुद्दे दिए जाते हैं, तो जहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, जहाँ ईसाई है वहाँ हिंदू ईसाई करेंगे, जहाँ पे सिख है वहाँ हिंदू सिख करेंगे। ये आदतन सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाला दल है और वही कार्य कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से प्रदेश का चुनावी पारा और भी हाई हो गया है। कांग्रेस अमित शाह के भाषण पर नाराजगी जता रही है, आरोपों का जवाब दे रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया तो बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। कौशिक ने पूछा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अभी तक पीड़ित भुवनेश्वर साहू के घर पर क्यों नहीं गए हैं? जयराम रमेश को अमित शाह के लिए कहे गए शब्द वापस देने चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम रमेश को खुद पीड़ित के घर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। आपको बताएं कि जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह का ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य शांति भंग करना, प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा भड़काना है। गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नियत से उन्माद भड़काने के लिए बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल झूठ है और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। जी का बयान मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस में सत्ता के लिए जो राजनीति करते हैं, वास्तविक में केवल एक मामला नहीं है, बिरनपुर का मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले जो कवर्धा के जो मामले हुए हैं, आपके अन्य जगह जो मामले हुए हैं, आखिर मुख्यमंत्री गृहमंत्री को समय क्यों नहीं है उनके घर जाने के लिए? और इस मामले को लेकर के जयराम रमेश जी को अपने बयान वापस लेना चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ उनको आना चाहिए और आकर के उस ईश्वर साहू के घर में जा करके यदि उनके पिता जी से मिले, ईश्वर साहू से मिले। और बात करेंगे रायपुर की, जहां बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है। प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था लेकिन प्रदर्शन खत्म हो गया और अब जश्न शुरू हो गया। रायपुर भाजपा कार्यालय के सामने चल रहा प्रदर्शन अब खत्म कर दिया गया। दरअसल गणेशराम भगत के समर्थकों का यह प्रदर्शन चल रहा था, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से वार्ता के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। गणेशराम भगत के समर्थकों ने जश्न मनाया, जशपुर विधानसभा से प्रत्याशी बदलने की मांग ये कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री से बातचीत के बाद बात बन गई और फिर देखिए क्या हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऐसी तस्वीरें इससे पहले सामने आई थी जो कि पार्टी की चिंता बढ़ा रही थी।